शहर में गंदगी, गिलाजत, गटर के पानी, कचरा और सड़कों की टूट फूट के नतीजे में लोग बदतरीन सूरत हाल से दो चार हैं। ये हमारी सिंध हुकूमत का 14-15 साल का फॉरेंसिक ऑडिट हो जाए तो सब पता चल जाएगा कि तरक्याती फंड कहाँ गया, ये तालीम का फंड कहाँ गया, ये सेहत का फंड कहाँ गया। बाज़ पार्टियाँ इस बात की कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरीके से फरार का रास्ता इख्तियार करें। बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन एक मरतबा फिर कोई ऐसी कार्रवाई न करे जिसके नतीजे में ये बल्दियाती इलेक्शन आगे बढ़े। वो बैलेट पेपर जो छप चुके हैं उन बैलेट पेपरों को डिस्कार्ड किया जाए, जाया किया जाए। सियासी एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब साहब को बरतरफ किया जाए। मैं हैरान हूं कि इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस क्यों नहीं ले रहा। इलेक्शन कमीशन को भी पता होना चाहिए और हुकूमत को भी मालूम होना चाहिए कि वो आवामी राय को इस तरह से कुचल नहीं सकते। शहर में एक वाज़े राय अम्मा मौजूद है और अब लोग चाहते हैं कि इलेक्शन हो और इस इलेक्शन में जमात इस्लामी का मेयर और जमात इस्लामी की पूरी बल्दिया आए। मर्दमशुमारी के हवाले से जो भी SOP है या टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, TOR है, उसका इश्तिहार आना चाहिए ताकि पता चले कि ये अमल एक मरतबा फिर धांधली ज्यादा तो नहीं हो रहा। हमें एक्सेस होना चाहिए कि हम जान सकें कि हमारे शहर को पूरा गिना जा रहा है कि नहीं गिना जा रहा। फर्दन फर्दन हमारी एंट्री कर भी देंगे तो टोटल नंबर में धांधली की जाएगी और ये किसी सूरत काबिले कबूल नहीं है। जो लोग भी इस जुर्म के अंदर शरीक हैं उनको ये बात पता चल जानी चाहिए कि अब कराची जाग चुका है। इसलिए अगर इस मर्दमशुमारी में धांधली करने की कोशिश की गई तो उसकी मुजाहमत का कोई लेवल नहीं होगा। इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग शहर में हो रही है। हमें बताएं मिफ्ता इस्माइल, उन्होंने बड़े आराम से कह दिया कि हम तो 1000 मेगावाट की बिजली इनको सप्लाई कर रहे हैं। तो भाई जब आप ये बात कह रहे हैं तो इनका लाइसेंस कैंसिल क्यों नहीं कर रहे? ये सारी पार्टियां अबराज कैपिटल, अबराज ग्रुप, आरिफ नकवी के साथ मिलकर कराची के लोगों का बड़ा गरक करते रहे हैं। इस बात को सामने आकर बयान करें मुफ्ता इस्माइल पूरी स्टेटिस्टिक्स के साथ और कबूल करें कि उनकी हुकूमत 5 साल तक जब मौजूद थी नवाज शरीफ साहब के दौर में तो उन्होंने इस जुर्म में कितनी शिरकत की है और अब कितनी कर रहे हैं। जब फॉरेंसिक ऑडिट होगा तो हर हुकूमत के बड़े बड़े लोगों के नाम निकलकर सामने आएंगे और इससे पता चल जाएगा कि कराची दुश्मनी में ये सब एक हैं। कराची के लोगों को भी अब समझना चाहिए कि इन सारे लोगों से माफियात से जान छुड़ाएं।